Subscribe to Pickless Music and click on the bell icon to get notification about the latest uploads. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिकलेस म्यूजिक। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम ये वाला सॉन्ग ही करेंगे, आलो संग बाय तहसान। बहुत ही फेमस सा सॉन्ग है बांग्लादेश से। तो जो भी बांग्लादेश या फिर बंगाल से हैं, मुझे पता है कि आप लोगों को ये वाला गाना पता होगा। तो आज ये वाला गाना हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। इसका अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल रखा है मैंने। तो अगर आपको ये वाला लेसन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टैप सीख लेंगे, उसके बाद हम कॉर्ड्स और फिर स्ट्रमिंग की ओर बढ़ेंगे। तो मैं एक एक पार्ट प्ले करूंगा, उसके बाद अब ऑन स्क्रीन टैप्स को देख लेना और फिर मेरे साथ धीरे धीरे बजाना। तो पहला वाला पार्ट कुछ इस तरीके से जाएगा, मैं एक बार प्ले कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं हम। पहले हम स्लाइड कर रहे हैं अप टू 8 ऑन द बी स्ट्रिंग, ठीक है, ओपन से। तो फिर 10, फिर 7, फिर से 7, फिर 3 टाइम्स 10 ऑन बी, फिर 10 ऑन ई, फिर 8 ऑन बी, 7 ऑन बी, फिर 9 ऑन जी, फिर 7 ऑन जी। तो फिर एक फ्लो में, और यहाँ पे जब हम ये वाला 10 से ये वाला 10 ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपना पिंकी प्ले करके ऑन द बी हम ऐसे रोल कर दे रहे हैं और ये वाला 10 ऑन ई प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप ऐसे प्ले कर सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअल भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ही प्ले करें रोल करके। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें ऐसे तो फिर आपका आ जाएगा। तो फिर और एक बार लास्ट टाइम ये वाला पार्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट ऐसे जाएगा, तो फिर क्या हो रहा है देख लेते हैं। 7 ऑन जी, फिर 7 ऑन ई, फिर से 7 ऑन ई, फिर 3 टाइम्स 10 ऑन बी, फिर 10 ऑन ई, फिर 8 ऑन बी, 10 ऑन बी, 7 ऑन ई, 10 ऑन बी, ठीक है। और इसके बाद वाला पार्ट ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या प्ले कर रहे हैं, 7 7 10 10 10 8 8 7 9 7, ठीक है। और इसके बाद वाला पार्ट ऐसे जाएगा जो हमने पहले सीखा, तो आप स्टेप्स देख लो। और इसके बाद वाला लाइंस ऐसे जाएगा, देख लेते हैं हम, मैं एक बार प्ले कर दे रहा हूँ। तो फिर ये वाला क्या हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th फ्रेट ऑफ द जी स्ट्रिंग, 9 7 8 7 10 7 9 7 9, फिर आप कॉन्टिन्यूएशन के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए। ये एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स आप दे सकते हैं 9 पे, ठीक है। और फिर तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा नोट चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग सेम रहेगा आपका, जी स्ट्रिंग के 9th फ्रेट से स्टार्ट होगा, तो यह जाएगा सेम जाएगा, देखो। तो फिर 9 7 8 7 10 7 9 7 10, फिर कॉन्टिन्यूएशन के लिए
फिर आपका मेन लाइन्स ऑफ द सॉन्ग हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लेकिन बीच में जो आप थोड़ा सा कुछ प्ले कर सकते हो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, पहले आप मेन लाइन्स देख लो। मैं एक बार प्ले कर दे रहा हूँ। तो ये आपका मेन लाइंस है, तो मैं आपको पहले मेन लाइंस सिखा दे रहा हूँ और जो दो लाइंस के बीच में जो म्यूजिक में प्ले कर रहा था उसको मैं आपको लास्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला कैसे जाएगा देखो, पहला वाला पार्ट 3x7 ऑन ई, फिर 8 ऑन बी, फिर 4x10 ऑन बी, फिर 8 ऑन ई, फिर 4x7 ऑन ई, फिर 8 ऑन बी, 7 ऑन बी। तो फिर एक फ्लो में, और इसके बाद वाला पार्ट, तो फिर 7 7 7 8 10 10 10 8 7 7 10 10, फिर 10 स्लाइड टू 12, बैक टू 10। तो फिर एक फ्लो में, और फिर ठीक है। और जो मैंने गाने पे प्ले किया है, मैं कुछ इस तरीके से प्ले किया है जब हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, तब देखिए कैसे मैंने प्ले किया है। तो फिर जब हमारा 10 फेर तो बी स्ट्रिंग डी स्ट्रिंग में ख़त्म हो रहा था, तब आप थोड़ा सा आप स्केल्स प्ले कर सकते हैं क्योंकि वाला गाना जी स्केल पे है, तो फिर आप यहाँ पे स्केल प्ले कर सकते हैं लाइक दिस। तो फिर क्या प्ले करेंगे, 7 ऑन बी, फिर 8 ऑन बी, तो फिर और फिर जो मेन लाइन से आएगा आलो आलो वाला प्ले करेंगे, तो फिर से और यहां पे भी हम थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं लाइक दिस 15 नोट्स 10 8 9। तो फिर पहले से अगर आप देखेंगे एक फ्लो में कैसे से जाएगा ये वाला पार्ट, और गाना एंड कर सकते हैं हम लाइक दिस। ठीक है, मैंने ऐसे एंड किया है, आप अपना इनोवेशन भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया मैं। तो चलिए अभी हम कॉर्ड सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और स्ट्रमिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो ये वाला गाना प्ले करने के लिए आपको सिर्फ 4 ओपन कॉर्ड लगेगा। पहला कॉर्ड होगा आपका जी मेजर कॉर्ड, अब डायग्राम देख लो। तो दूसरा कॉर्ड लगेगा होगा हमारा ई माइनर कॉर्ड, तो तीसरा कॉर्ड लगेगा होगा हमारा सी मेजर कॉर्ड, और जो फोर्थ कॉर्ड लगेगा लास्ट कॉर्ड होगा हमारा डी मेजर कॉर्ड। ये 4 कॉर्ड आपको आने चाहिए वाला गाना प्ले करने के लिए।
तो चलिए अभी स्ट्रमिंग पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस गाने पे मैंने टू टाइप्स ऑफ स्ट्रमिंग पैटर्न यूज़ किया है, तो आप चाहे तो कोई भी एक स्ट्रमिंग पैटर्न को सिलेक्ट करके पूरा गाना प्ले कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह दोनों स्ट्रमिंग पैटर्न को कॉम्बाइन करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉन्ग पे प्ले कर सकते हैं। तो पहला वाला स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से जाएगा, देख लेते हैं। पहला वाला स्ट्रमिंग पैटर्न ऐसे जाएगा, डाउन 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 अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, फिर एक पॉज और फिर डाउन डाउन अप एक साथ। तो फिर डाउन पॉज, डाउन डाउन अप डाउन पॉज, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप। एक कॉज के साथ अगर प्ले करेंगे तो कैसे लगेगा? ठीक है। और जो दूसरा वाला स्ट्रमिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, देखो। डाउन 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 अप अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन अप डाउन अप। तो ये वाला स्ट्रमिंग पैटर्न का आप टू पार्ट में ब्रेक कर लो, डाउन डाउन पहला वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट अप अप डाउन, डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन अप डाउन अप। और इन दोनों पार्ट्स में हम थोड़ा सा हल्का सा एक डाउन दे रहे हैं जो फिलर की तरह एक्ट करेगा। वो पार्ट आपको कहाँ पे यूजफुल होगा आप देखिए, जब कॉर्ड्स चेंज कर रहे हैं आप, डाउन 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 हल्का सा लेंगे जब हम कॉर्ड्स चेंज कर रहे हैं थर्ड जो डाउन स्ट्रोक है, तो फिर डाउन 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 अप अप डाउन, डाउन अप डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन अप डाउन अप। ठीक है। तो वाला जो डाउन स्ट्रोक है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो एज अ फिलर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको कॉर्ड्स चेंज करने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो और बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हो। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, दैट वाज द फाइनल लेसन। अगर आपको लेसन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। और अगर इस सॉन्ग में आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई है तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सॉन्ग सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो उस सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से मेरे अगले वीडियो पे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।